बहुत अच्छी अभी के सीन में देखा, बहुत प्यारे, मतलब एक होता ना घर के दिल के छू लेने वाला सीन था। इनका पहले बात मैम, आपको अवार्ड शो में देखा मैम, और काफ़ी अच्छे लग भी रहे थे आप दोनों, आप और आपकी राशि बेटी साथ में आए थे, बाकी पूरे टीम ही आए थे, पर दो दो के जोड़ी आए थे देखा था कपल। ये चिराग के साथ आए थे, अश्विन के साथ उनको आई थी, हाँ ये तो सब मिल के आए थे। मैम ये कहना चाहते एक अवार्ड जो मिला है एक टीम के लिए कितना मायने होता है, हौसला के लिए? बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत है हमारी, अभी हमें 7 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं और इतने कम समय में, इतने कम अंतराल में जनता का इतना प्रेम, इतना प्यार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे शो के लिए। और सरिता जी हमारे शो के आइकॉन हैं और वो एक सीनियर एक्ट्रेस हैं और वो डिज़र्व करती हैं पूरी तरह से ये अवार्ड जो उनको मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस का। और मैं ये समझती हूँ कि उनको अवार्ड मिलना, ऑफकोर्स ये उनका अवार्ड है, और एक अवार्ड जो होता है वो एक आर्टिस्ट के साथ साथ पूरी टीम का, पूरे टेक्नीशियंस का, सबका होता है। तो मैं इस सरिता जी के अवार्ड में सारी टीम की भागीदारी मानती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ जनता को कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि वो हमें इस कैटेगरी में अवार्ड दें और हमें 11 नॉमिनेशंस भी मिले। ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि हम लोगों को 11 नॉमिनेशन मिले। तो ये हम अगले साल उम्मीद करते हैं कि हम 11 में से कम हमें 5 या 6 अवार्ड्स तो ज़रूर मिलेंगे। यस यस मैम, क्योंकि आप सब पूरा टीम ही इतना मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मतलब मेहनत का फल मीठा होता है। 7 महीने में 11 नॉमिनेशंस इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है मैम। ये तो हो एक इस अवार्ड के बात हो गया मैम। जिस शो की हम बात करें, जिस तरह की शो की स्टोरी है, हर घर की जो एक होता है ना कहानी होता है, हर घर की कहानी होता है, उस टाइप के मेरे बाजू में लोग देखते रहते हैं, मतलब कैसे क्या सीखता है, बोलते एक शो देख ऐसा लगता है हमारा तुम्हारा घर की स्टोरी चल रहा है। तो इस टाइप के डिफरेंट शो, तो कैसे आपको लगा ये मतलब चैलेंज वाला कैरेक्टर प्ले करके आपका? बाप रे, पुष्पा तो जब स्क्रिप्ट मैंने भरी थी तो उसी वक्त कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ समय कोई आप कैरेक्टर पढ़ते हैं, फिर उससे कन्विंस होते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, या वो आपको अपील करने में समय लगाता है। लेकिन जब पुष्पा की स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई थी, वो उसी वक्त उसी क्षण मुझे ऐसा लगा था कि वाह क्या स्क्रिप्ट है, क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशंस किए हैं। आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब से मुंबई आई थी तब से बात कर रही हूँ। कुछ समय तो हो गया कि ऑडिशंस दिए नहीं, काम से काम मिल जाता है, लेकिन बहुत समय बाद ये, क्योंकि मैंने देवांशी के बाद 2-3 साल का मेरा गैप आया था टीवी का। मैंने फिल्म करी थी मोतीचूर चकनाचूर, लेकिन मैंने टीवी नहीं किया था। तो उस अंतराल के बाद मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे ये अपना टेलीविजन बदल गया है क्या, मतलब उसका स्तर यहाँ से लेकर इस इतना मुझे स्तर के हिसाब से इतनी ऊंची लगी वो स्क्रिप्ट। इतनी सुंदर स्क्रिप्ट थी, यानी कि एक टिपिकल जिसे कहते हैं वैसी स्क्रिप्ट नहीं थी, बहुत ही अलग कुछ, उसकी जबान अलग, उसका थॉट प्रोसेस अलग था उस पात्र का। रोते रोते हंसना, हंसते हंसते रोना, परेशानी में भी लाइटली लेना परेशानियों को। तो इट वॉज अ वेरी कमेंडेबल स्क्रिप्ट। तो उस क्षण मुझे लगा कि ये पात्र में अगर मुझे मिले तो मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूंगी, और ईश्वर ने ऐसा आप कर भी रहे हो। देवांशी भी एक कलर्स के बड़ी शो था जिसमें मैं भी था। एनीवे मैम, मैं कह रहा था जैसे चिराग है इनका जो है, इनका बहू आप तो मान लिए, लेकिन है ना, लेकिन मतलब मन मन में लग रहे ना, वो तो पता है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये गलतफहमी है। अच्छा, सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, इसको पापा के लेकिन लव स्टोरी पता है इनकी, और चिराग के जो लव स्टोरी। चिराग और प्रार्थना दोस्त हैं। प्रार्थना के मन में उनको लेकर जो भी भाव है वो उसके अपने हैं। चिराग के मन में इस प्रकार की कोई भाव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग बहुत छोटे हैं, हम इन चीजों को इस तरह से सोचें, आप समझ रहे हैं जी। तो पुष्पा के लिए ये बहुत ही, शी इज अ वेरी ओपन हार्टेड लिबरल मदर, और वो ये समझती है कि वो चिराग की बहुत अच्छी दोस्त है प्रार्थना, और उसका कोई भी ऐसा अलग टाइप का पहलू उनके दिमाग में नहीं है। और नहीं, मैं समझती हूँ कि जनता के दिमाग में भी ये कुछ इस प्रकार का गलत थोड़ा है, पुष्पा ऐसा सोचती है, ऐसा नहीं है। उनके एक पवित्रता जो उनकी दोस्ती की है, जो पुष्पा मानती है कि दोस्ती की, जैसे उसकी महेंद्र से दोस्ती है जी। तो जैसे वो दोस्ती को बहुत एक पवित्र रिश्ता मानती है, तो वो और इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस भी देती है। उसने एक बार कहा भी था चिराग से कि तुम अभी नहीं समझोगे लेकिन बाद में समझोगे कि दोस्तों की क्या महत्ता होती है जीवन में। तो वो इस चीज को समझती है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी तक तो मेरे दिमाग में या चिराग के दिमाग में इतना ही है, आगे कहानी क्या कहती है वो हम नहीं जानते। एक लास्ट सवाल मैम, बॉलीवुड हमारा जो है हमेशा लोग बोलते हैं भावनाओं को रख के फिल्म बनाना चाहिए, अभी हाल ही में एक म्यूजिक रिलीज मतलब गाना सॉन्ग रिलीज हुआ है, लाखों लोगों को भावनाओं से मतलब आहत हुआ है। बेसिकली ये मूवी पठान आ रहा है जिसमें भगवा कलर करके जैसे संत जितना भी लोग हैं सबको दिल में आहत हुआ है। चीज़ ऐसा जैसे पुष्पा आपने सीरियल बनाया, सबको दिल में किसी को नुकसान नहीं हो रहा, सबको प्यार दे रहा है। चीज़ ऐसा बनाओ कि पूरा भारतीय जनता, हम भारतीय के लिए संस्कृति के खिलाफ न जाए। तो आपको मतलब जो भी कमेंट करना है या ना जो भी है, तो ये जो बोला किया है दिखाया वो गलत है सही है, किस तरह आप देखते हैं? गलत सही इस समय में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण हो सकता है कि मुझ तक ही सीमित, मतलब अपने दृष्टिकोण को आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए जब तक उससे कोई बदलाव ना आ रहा हो। ये मेरा मानना है। अपना दृष्टिकोण, अपना मत आप तब रखें जब उस स्थिति में आपके दृष्टिकोण से कोई बदलाव आए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब एक काम करते हैं, आप कलाकार होते हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि नेता और अभिनेता में बहुत अंतर है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर अलग होती है और नहीं मतलब होती है, हमारी भी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर होती है, ये मैं मानती हूँ। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएं या कोई भी काम करें, ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हम ऐसी कोई चीज़ चुनें जो लोगों से जुड़े भी, लोगों को आहत भी ना करे। और हमें भी नागरिक तो हम भी हैं ना देश के, भले ही हम कलाकार हैं लेकिन उससे पहले हम नागरिक भी हैं, राष्ट्र भी हमारा बहुत आवश्यक है। तो ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें, मैं एटलीस्ट ये चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि मुझसे ऐसा कोई कार्य ना हो जो लोगों को गलत तरह से प्रभावित करें। ये मैं बिल्कुल समझती हूँ और मैं ऐसा खुद अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मेरी बात 5 लोग भी सुनते हैं, अगर 5 लोग भी ऑडियंस में मेरी बात सुनकर इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि मैं अहमदाबाद गई थी तो लोग रोने लगे और फिर रोने लगी मेरे पास आकर, मेरी गाड़ी में ऐसे लग के रो रही थी। तो वो आंसू जो है सच्चाई के थे। तो अगर 5 लोग भी मेरी बात से प्रभावित होते हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कोई ऐसा कार्य न करूं या ऐसे कोई शब्द न बोलूं जो उनको गलत तरह से प्रभावित करे। जिस तरह की अपने अच्छे बाबू आपकी आन के ट्यूनिंग ऑफ स्क्रीन तो कैसा है और किस देखिए कैसा है पुष्पा जी का आपका ऑफ स्क्रीन? हम सबकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी और है। हम लोग शी इज़ वेरी हम्बल, हमेशा ही मतलब हम दोनों के बीच में क्योंकि हम ज़्यादा सीन साथ में नहीं करते तो ऑफकोर्स ज़्यादा बातें नहीं होती, बट जितना भी होता है, जितना भी हम मिलते हैं, जितनी भी बातें होती है, आई थिंक इट इज़ इनफ। जितना होना चाहिए, कुछ ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, जितना है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल because she is humble and I feel like जब हम दोनों मिलते हैं तो she has a very like kind gesture towards me and I really appreciate it. थैंक यू मैम, थैंक यू। पुष्पा के ऑडियंस के लिए मैम क्या बोलना चाहती है? जितना आपको मतलब मेरी आपको वीडियो डालूंगा कल परसों तो कितना 1000 लोग, 60-1 लाख लोग तो फटाक से देख लेता है, इतना प्यार है आपके प्रति लोगों को। तो इसके लिए फ्रेंड्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं? जनता को हमारी तरफ से प्रार्थना, पुष्पा और पुष्पा इम्पॉसिबल की सारी टीम की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना प्यार मिल रहा है और देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए हम पे बिल्कुल। और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमारे मेकर्स, हमारे निर्माता, निर्देशक, हमारे लेखक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी समझते हैं कि बहुत समय बाद हमें कोई ऐसा शो करने को मिला, मैंने बहुत शोज किए लेकिन ऐसा कोई शो करने को मिला जिसमें जो हमारे निर्देशक हैं, निर्माता हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि हम गलत ना जाएं अपने सुर को लेकर, अपने अभिनय को लेकर और आप तक जो हम पहुंचाते हैं उसको लेकर। तो ये सबकी बहुत ही बड़ी और अच्छी मेहनत है और इससे मैं समझती हूँ कि टेलीविज़न में बदलाव भी आ रहा है और ये अच्छा एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। तो इस चीज़ को हम निभाएंगे और आपसे यही हमें उम्मीद है और प्रार्थना है कि आप भी हमारे साथ बने रहें और प्यार प्लीज। नहीं, सीरियल तो बहुत बना मैंने, पर फैमिली के साथ देखने वाला सीरियल बहुत कम मिल रहा है। मतलब बेसिकली आपके शो में ना बच्चे भी देखते हैं, आंटी भी, बुजुर्ग भी देखते हैं, इससे बोलते हैं कि पुष्पा इम्पॉसिबल देखना है। तो इसलिए आपका शो खास एक माइनॉरिटी अलग कैटेगरी हर शो से अलग है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको ठीक है मैम, इस तरह आपको प्यार मिलता रहे। थैंक यू। टीवी से जाते हैं, टीवी से बॉलीवुड तक एक बार बोलिए अपना नाम, सब बॉलीवुड तक नाम के साथ। मैं पुष्पा की भूमिका निभा रही हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल में, मैं प्रार्थना की भूमिका निभा रही हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल में और हम दोनों इस समय आपसे जुड़े हुए हैं टीवी से बॉलीवुड तक के जरिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।